हॉलीवुड एक्शन डायरी कर्बोलेवर को देख लोग मिशन इम्पॉसिबल और फास्ट एंड फ्यूरियस भूल जाएंगे। भारतीय सिनेमा की सबसे बड़ी एक्शन फिल्म के रूप में चर्चित ऋतिक रोशन और टाइगर श्रॉफ की फिल्म वॉर में दुनिया के चार बेहतरीन स्टंट निर्देशकों ने काम किया है। क्रिश्चियन बेल की फिल्म द डार्क नाइट, वेन जॉनसन स्टारर सिन एंड्रियास, टॉम क्रूज की हिट फिल्म जैक रीचर के अलावा मशहूर वेब सीरीज गेम ऑफ थ्रोन्स और शेरलॉक होम्स में अपने हुनर का लोहा मनवा चुके पॉल जेनिंग्स बता रहे हैं वॉर के एक्शन की खासियत के बारे में। कहा जा रहा है कि वॉर भारतीय सिनेमा की सबसे बड़ी एक्शन फिल्म है। आपकी क्या राय है? देश के सबसे बड़े फिल्म स्टूडियो यशराज फिल्म्स ने हिंदी सिनेमा में अब तक कभी भी दिखे एक्शन दृश्यों को गढ़ने के लिए मुझसे संपर्क किया। वॉर मेरी पहली हिंदी फिल्म है। मैं ये कह सकता हूँ कि वॉर का एक्शन मिशन इम्पॉसिबल और फास्ट एंड फ्यूरियस जैसी फिल्मों के बराबर है। वॉर देखने के बाद भारतीय दर्शक इन फिल्मों को भूल जाएंगे। अक्सर आरोप लगता है कि हॉलीवुड से टक्कर लेने लायक भारतीय फिल्मों का बजट नहीं होता। ये फिल्म करने के बाद मुझे हिंदी सिनेमा से प्यार हो गया है। मेरा मानना है कि आप यहाँ एक्शन को थोड़ा आगे बढ़ा सकते हैं। आप विश्वास से आगे की चीजों को कर सकते हैं और ऐसा करके आप ज्यादा बेहतरीन और शानदार दृश्य शूट कर सकते हैं। ये सच है कि भारतीय फिल्मों में बजट सीमित रहते हैं, लेकिन वॉर में ऐसा नहीं हुआ। फिल्म के निर्माता आदित्य चोपड़ा एक्शन सीक्वेंस को बेहतरीन बनाना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने हमारी कल्पना को बजट की सीमा में नहीं बांधा। हाल ही में रिलीज हुई एक और भारतीय फिल्म साहू के एक्शन सीन्स हॉलीवुड फिल्मों की कॉपी माने जा रहे हैं। कहीं ऐसे आरोप वॉर पर भी तो नहीं लगेंगे? ये सच है कि वॉर और किसी हॉलीवुड फिल्म की एक्शन दृश्यों के विस्तार के बीच कोई अंतर नहीं है, लेकिन दर्शकों को इसमें हॉलीवुड की फिल्मों से आगे का एक्शन देखेगा। वॉर हमने सीमाओं को थोड़ा और आगे बढ़ाया, जिसने फिल्म को थोड़ा और विस्तार दिया है। वॉर के एक्शन का स्तर मिशन इम्पॉसिबल और फास्ट एंड फ्यूरियस जैसा है। फिल्म को दोनों हीरो ऋतिक रोशन और टाइगर श्रॉफ का भारत में बहुत बड़ा प्रशंसक वर्ग है। कैसा लगा आपको इनके साथ काम करना? ये दोनों वास्तव में समर्पित अभिनेता हैं जो अपने अभिनय कौशल को लेकर हर दिन कड़ी मेहनत करते हैं। और ये सिर्फ एक्टिंग तक सीमित नहीं है, वे खुद को दूसरों से बेहतर बनाने के लिए शारीरिक प्रशिक्षण करते हैं, लड़ाई वाले दृश्यों का अभ्यास करते हैं। नाचते तो दोनों हैं ही लाजवाब। अपने खान पान पर भी दोनों का बहुत ध्यान रहता है। दोनों काफी विनम्र हैं और सेट पर कभी सुपरस्टार्स जैसा बर्ताव नहीं करते। उनसे काफी कुछ सीखा जा सकता है।